आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ आज फिर से वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी की लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की कोशिश रहेगी। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने से नाराज दोनों पार्टियां ये कदम उठा सकती हैं और कई विपक्षी पार्टियां उनके समर्थन में भी आ सकती हैं। इस मांग को लेकर टीडीपी लगातार संसद में प्रदर्शन भी कर रही है। पार्टी सांसद थोटा नरसिम्हा ने मंगलवार को कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कावेरी मुद्दे को लेकर एआईएमडीके के सांसदों का भी संसद में प्रदर्शन चल रहा है। अब एक तरफ वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी जैसी पार्टियां लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहती है तो दूसरी तरफ हंगामा करने से भी बाज नहीं आ रही। ऐसे में संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है। वैसे सरकार ने साफ कर दिया कि वो अविश्वास प्रस्ताव सहित विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा तभी संभव होगी जब सदन सुचारू रूप से चलने लगेगा।